सीतामढ़ी में आक्रोशित भीड़ ने रंगदारी की मांग करने पर अपराधियों की पीट पीट कर की हत्या। मौके से मोटरसाइकिल के साथ हथियार भी हुआ बरामद। घटना क्या हुआ है? क्या हुआ है? हल्ला हुआ है, हमारा घर चक्की है, हमारा मोहाल पड़ता है उसमें दूरबा, हम चक्की हल्ला हुआ है कि मतलब चोर चोर है पकड़ाया हुआ है, तो वहाँ हम लोग गए हैं तो पब्लिक को पकड़ पहुँचे। बाढ़ अनुमंडल के मुखिया मनोज राम का दिखा अनोखा अंदाज, लगातार जारी है सातवें दिन भी कंबल वितरण का काम। कड़ाके ठंड तो पड़ रहा है और गरीब असहाय को मतलब हम कंबल वितरण कर रहे हैं ताकि उसका तन इस कंबल से ढक जाए और ठंड से बचे। मसौढ़ी थाना क्षेत्र के मुशहरी में पुलिस ने की छापेमारी, इस दौरान सैकड़ों लीटर शराब को किया नष्ट, वहीं इस मामले में चार आरोपी गिरफ्तार। मसौढ़ी में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए आर्यभट्ट परिवार मंच के द्वारा चलाया गया अलाव अभियान, इस मौके पर मंच के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार मीठू ने किया शुभारंभ। अरवल जिला के अंतर्गत कलिया राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर शराब से लदे ट्रक का उत्पाद विभाग ने किया जब्त, मौके पर चालक और उपचालक गिरफ्तार। बिहटा में नई नगर परिषद बनने के बाद स्थानीय व्यवसायी संघ ने सरकार को दिया धन्यवाद, एक दूसरे को मिठाई और गुलाल लगाकर जाहिर की अपनी खुशी। सरायकेला जिले के कुकुड़ प्रखंड में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन, नरेश महतो स्मारक समिति एवं सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम है फ्री आई स्क्रीनिंग कैंप, इसमें हम लोग डॉक्टर सब चेकअप जो होता है वो फ्री करते हैं और एडवाइस देते हैं आयुष्मान भारत के तहत ऑपरेशन के लिए। सरायकेला के कुकुड़ प्रखंड के पोल्ट्री फार्म में लगी आग, आग में 2100 चूजे और 36 बोरा चारा जलकर हुआ खाक। अरवल जिला के विभिन्न प्रखंडों में कृषि कानून के खिलाफ किया जा रहा है प्रचार प्रसार, अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा 29 दिसंबर को राजभवन मार्च की हो रही है तैयारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का किया गया आयोजन, पोटका के हरिणा मुक्तेश्वर धाम में मिलन समारोह का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक रहे मौजूद।